राजस्थान की फलोदी जिले के लोहाबट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह खींबसर ने काफिले के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस पर गजेंद्र सिंह खींबसर ने कहा कि भारी बहुमत से इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आप सभी क्षेत्रवासी मुझे अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजें ताकि मैं आप सभी की बेहतरी के लिए कार्य कर सकूं। इस दौरान जनता ने विजयी भव के नारे लगाए। मैं 10 साल लगातार जीता और ये तो क्या है कि चुनाव होता है कि जनता बदलाव चाहती है ना, चाहे सही के लिए हो गलत के लिए हो, जनता की जो भी भावना होती है। इस बारी मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि 50,000 से हम जीतेंगे। सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आप बाहरी हो, बाहरी का आप पर लगातार ठप्पा लगा रह रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अपने मोदी जी वाराणसी से लगते हैं, वो उनको बाहरी बनाते हो आप। पब्बा राम जी लौट के रहने वाले फलौदी से लड़ते हैं, वो बाहरी है। दिव्या जी जो है मदेना, वो हमारे चाटी की रहने वाली है, वो बाहरी है। हम तो राजस्थान से ही तो लड़ रहे हैं।